वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई नेम इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फिर से हम लोग देख रहे हैं एर्टिगा इन द मैग्मा ग्रे एंड वैगन आर इन द नटमैग ब्राउन, दोनों ही गाड़ी जेड मॉडल। अर्टिगा भी जेड एक्स आई हम लोग देखेंगे, वैगन आर भी जेड एक्स आई वेरियंट हम लोग देखेंगे, बट बोथ द कार्स आर वन ईयर ओल्ड। ऑलमोस्ट 10 महीने पहले ये काम हमने किया हुआ है। आज का वीडियो कुछ अलग स्टाइल से हम बना रहे हैं कि एक साल होने के बावजूद भी जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो कैसी आज भी दिखती हैं एंड लुक क्या है गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3-4 न्यू काम इसके अंदर हमने किए हुए हैं, आज स्टार्ट करते हैं द स्मोक फिनिश हेडलैम्प। जो गाड़ी का कलर है मैग्मा ग्रे, उस ही कलर में आगे की हेडलाइट्स को रैप किया हुआ है। सो इन रैपिंग करने वाली स्पोर्टी लुक जो आ रहा है गाड़ी को हम लोग देख सकते हैं। बाकी DRLs वगैरह कंप्लीट हमने 10 मंथ्स पहले ही इंस्टॉल की थी हेडलाइट में, जो ऑनिक्स DRL हमारी आती है। गेटअप देख सकते हैं आज भी कितना ज़बरदस्त उसके अंदर आ रहा है। सो डेविल लुक है, एक बेहतरीन लुक है। आगे से इसके बल्ब्स हमने अपग्रेड किए हुए हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज HID किट्स इन द प्रोजेक्टर एंड LED बल्ब्स इन द रिफ्लेक्टर, जो डुअल मोड में है जिसमें वाइट लाइट भी है येलो लाइट भी है। डिफ्यूज़र्स इसके अंदर हमने जो X शेप हमारे आते हैं, जो बॉडी कलर मैग्मा ग्रे सेम टू सेम मैचिंग इसमें आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। बट एक ओवरऑल लुक देखिए गाड़ी का। ईच करें तो आज न्यू इसके अंदर हमने ग्रे एंड ब्लैक की डुअल को टोनिंग की हुई है। द हाफ बॉडी जैसे लास्ट टाइम ब्लू कार में पैनल इज अ ब्लैक विनाइल कोटेड एंड 56 जो गाड़ी के नंबर प्लेट में भी आता है 5 और 6 अगर आप लोग देखेंगे, सो उसकी थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग हमने की हुई है साइडवेज ऑफ में एंड थोड़ी सी नंबर्स से हमने इसको ये किया हुआ है, एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की हुई है गाड़ी को। बाकी एवरीथिंग 10 मंथ्स बिफोर है। रूफ रेल्स हमने लगाई थी वो टाइम पे, देख सकते हैं आप लोग XL6 डिज़ाइन। स्पॉइलर्स हमने लगाए थे वो टाइम पे, पिलर लाइट्स हमारी लगाई थी, रिफ्लेक्टर लाइट्स लगाई, फ्यूज़र्स हम लोग ने लगाए थे ये गाड़ी के अंदर। मतलब बोलने का मतलब आज है ड्यूरेबिलिटी क्या है। एक साल होने के बावजूद भी एक एक्सटीरियर लुक देख सकते हैं। क्लैडिंग हमने ये गाड़ी के अंदर लगाई थी द मैग्मा ग्रे एंड द सिल्वर द ब्रॉड वन। जो इंटीरियर था थोड़े बहुत जो हमने आज चेंजेस किए हुए हैं, टॉप गियर के सीट कवर। यस, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 1 ईयर भी फिटमेंट आप लोग के सामने है कि टॉप गियर जब एक फिटमेंट देता है सीट कवर्स की, सो किस तरीके से वो कवर्स रिटेन्ड रहते हैं। बाकी और भी लोगों के वीडियोस आप देखिए, वो नवे ही सीट कवर ऐसे लगते हैं कि 6 महीने पुराने लगाए हुए हैं, बट टॉप गियर जो क्लास है मेंटेन्ड है कम्प्लीटली। द वुडन स्टेयरिंग इसके अंदर आज हम लोग ने एड ऑन किया हुआ है। ये जेड मॉडल वेरिएंट था, ये स्टाइलिंग पैनल्स कंपनी से लगे हुए थे, उसको मैच करते हुए द स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ अ डुअल कट, द अपर कट, द लोअर कट एंड रेस्ट इज अ प्योर लेदर स्टिच। डोर में लेदरिंग का वर्क हमने किया हुआ था। द इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप आज हमने नवी वाली लगाई है जो डोम कट्स के अंदर आती है। टॉप गियर ये गाड़ी के अंदर लगी हुई थी जो सेम टू सेम मैचिंग कलर के अंदर आती है, ब्राउन कलर में, वॉलनट कलर में देख सकते हैं। आज हमने ये गाड़ी के पिलर्स लेदर रैप किए हुए हैं, जो साइडवेज में पिलर नंबर ए, पिलर नंबर बी एंड द लास्ट पिलर नंबर सी, ऑल द 6 पिलर्स हैव बीन कोटेड इन द लेदर। 10.25 इंच की स्क्रीन ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हुई थी एंड आज हमने ब्लॉपंक का अंडर सीट एड ऑन किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ। ZXI मॉडल में सर से CNG लगाई, इनको कंपनी फिटेड नहीं चाहिए थी,
तो ZXI मॉडल में CNG है, तो हमने ऊपर भी जो रेकमेंड किया है, जो स्टोरेज कम लेता है, जो ZXI मॉडल में हमने अंडर सीट वूफर लगाया है, इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त। ये हो गई हमने इंटीरियर वर्क किया हुआ है, ZXI मॉडल है, देख सकते हैं आप लोग कि कितना स्पोर्टी इंटीरियर हमने फिर से नटमेग ब्राउन के अंदर किया हुआ है। टॉप मॉडल का ही स्टेयरिंग था, उसको अच्छे तरीके से स्टेयरिंग हैंड स्टिच किया हुआ है, द लेदर रैप, सीट कवर्स देख सकते हैं ऑटोनॉमी ब्रांड के, इन द रस्ट एंड द ब्लैक कॉम्बिनेशन, द एक्स्ट्रा कुशनिंग वन, एंड इसकी फिटमेंट्स आप लोग के सामने है कि किस तरीके से है, क्या है पिलर्स। ये गाड़ी में भी हमने रैप किए हुए हैं, एक ही ओनर की गाड़ी है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से दोनों गाड़ियां हमने की हुई है। सो पिलर रैपिंग, द सीट कवर्स, खाली फिटमेंट देखिए, डुअल स्टिच वर्क के साथ आते हैं, पाइपिंग के साथ आते हैं, कुशनिंग के साथ आते हैं, वैगनर एम्बोजिंग के साथ आते हैं। स्टेयरिंग हमने हैंड स्टिच किया हुआ है, इसकी फिनिशिंग बिफोर हो सकता था तो मैं ज़रूर आप लोग को बताता था, बहुत ही बेसिक स्टेयरिंग कवर लगा हुआ था। एंड द ब्राउन कार्बन हमने इसके अंदर पैनल्स को अपग्रेड किए हुए हैं, जो पैनल्स कंपनी के जेड मॉडल में काले आते थे, रॉ आते थे, उनको रिप्लेस करके ये टॉप एंड मॉडल के जो ब्राउन जो हमने सीट कवर लगाया है, ऑरेंज एंड ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन है, उन पैनल्स को कोट किया हुआ है। जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी है, जो सेंटर पार्ट भी देख सकते हैं, ईच एंड एवरी पैनल। तो थोड़ा सा इंटीरियर वर्क कंपनी का ही प्लेयर था। आगे हमने दो स्पीकर लगा दिए हर्ट्ज के जो कंपोनेंट, एंड आगे जो लगे हुए थे वो पीछे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि वैगनर ZXI में दो ही स्पीकर आपको मिलते हैं। इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप भी ये गाड़ी के अंदर लगाई हुई है हमने, बाहर ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया हुआ है। बट आज का होल एंड सोल वीडियो है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वेंट्स हम लोग देख सकते हैं साइडवेज ऑफ द कार में, एक DRL का सेटअप दिन में देख सकते, द सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसे कमेंट करिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू। तो ब्लॉपंग का अंडर सीट हुफर भी हमने लगाया हुआ है, प्लेयर तो 10.25 इंच देख सकते हैं, जो BMW स्टाइल आता है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिजिकल बटन्स भी आते हैं, जो सिल्वर एंड ब्लैक फ्रेमिंग के साथ आता है। स्पीकर्स भी हमने वो टाइम पे अपग्रेड किए थे हर्ट्ज के, भले कंपनी के लग के आते थे, और आज हमने वूफर ऐड ऑन किया हुआ है। जो आवाज़ पहले बज रही थी स्पीकर्स की वूफर के बिना, और जो अभी हमने लगाया है, कैसा क्या फ़र्क कुछ लग रहा है कि नहीं सर आवाज़ के अंदर? पहले से बहुत बेहतर आवाज़ है अभी, और आवाज़ अभी सुनने में भी मज़ा, बेस कम था, हाँ उसमें भी बहुत 100% फ़र्क आया है, फर्क आया, साउंड डिफरेंस लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा है उसमें, और मजा आया आप लगाने के बाद। आप लोग सुन भी सकते हैं, वाइब्रेशन जो आ रही है, वाइब्रेशन जो आ रही है पहले नहीं थी, पूरा हिला दे रही है, बराबर है कि नहीं? पानी ये जो सीट के नीचे और मजा आ रहा है, मुझे क्या ये हम लोग व्यूअर्स को एक्सपीरियंस तो नहीं करा सकते, बट गाड़ी में ही फील हो सकता है। एक एक जो वाइब्रेशन पहले नहीं थी, नहीं, और जगह ले लिया है कि जरा भी, थोड़ी भी जगह नहीं ले, सीट के नीचे, सीट के नीचे मता भी नहीं चल रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू वंस अगेन, आपको करेंगे। सो इसका इफेक्ट भी हम लोग सुन सकते हैं कि किस तरीके से है, क्या। सो दोनों ही गाड़ियों के ओनर्स भी हम लोग के साथ है, जो शूट हमने देखा है, वैगन आर नटमेग ब्राउन और एर्टिगा मैग्मा ग्रे पे, एक्चुअली 10 महीने पहले ही हमने काम किया था। आज का वीडियो बनाने का पर्पस एक ही था कि 10 महीने बाद भी जो हमने काम किया हुआ है चल रहा है बराबर कि नहीं चल रहा है।
वो टाइम पे घाई गड़बड़ थी और आज भी सर आए, छोटा मोटा हमने सर की काम में एड ऑन किया है, वुडन स्टेयरिंग आज लगाया, एम्बियंस लाइट लगाई है, जो वो टाइम पे चीज़ें नहीं थी। ओवरऑल सर कैसा क्या अपना एक्सपीरियंस था पहले भी और आज भी, क्या बोलेंगे देखने वालों के लिए दो लाइन? एक्चुअली पहले मी आलो होतो तेव्हा मी यांची व्हिडिओ बघूनच आलो होतो यूट्यूबवर, पण यांचं काम खूप सुंदर आहे, कामामध्ये खूप चांगली फिनिशिंग आहे आणि जी आपण लावतो आहे जी वस्तू ती खूप टिकते आणि त्याला चांगला रिझल्ट चांगला आहे त्याचा। 10 months हो गए, हाँ, कुछ काही प्रॉब्लेम नाही त्यात, कुछ भी प्रॉब्लेम नाही। टेप बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, लोक रस्त्यात विचारून विचारतात की कुठे बनवली गाडी, नहीं तो यही मैं व्यूअर्स को भी समझाता हूँ कि अगर मैं चीज भी लगाता हूँ तो दिल से अपन लगाते हैं, जो तकलीफ नहीं देंगे, नहीं कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी क्वालिटी जब हम बोलते हैं वीडियो में तो वो दिखती भी, हाँ वही क्वालिटी है, बराबर है, हम लोग भी वही वीडियो देख के आते हैं। थैंक यू सर। एंड सचिन जी, कैसी गाड़ी कैसी लग रही है वैगनर जो बनाई है? गाड़ी एकदम मस्त लग रही है, इंटीरियर जो इंटीरियर एकदम बेस्ट है, जो पहले था और अभी में बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है। अभी का जो सीट कवर लगाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ZX आए हैं, टॉप मॉडल ही गाड़ी थी बट अभी टॉप लग रही है, अभी टॉप लग रही है। ठीक है सर, कैसी लग रही है? बहुत ओके। सो लाइक करिए दोनों ही कार्स के वीडियो पे, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।